हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकारों के अंतर्गत रमेश चंद्र मजूमदार जी के बारे में समझाऊंगी। बच्चों, रमेश चंद्र मजूमदार को आरसीम मजूमदार के नाम से भी जाना जाता है। आर रमेश और सी चंद्र और मजूमदार, पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। बच्चों, पहले हम लोग इनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, डॉक्टर मजूमदार का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर मजूमदार भारतीय इतिहास के अद्वितीय विद्वान थे। प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के ज्ञाता थे। जो मजूमदार थे, आधुनिक इतिहासकार, वे प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के ज्ञाता थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही उन्होंने MA और PhD की उपाधि प्राप्त की थी। प्रारंभ से ही डॉक्टर मजूमदार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अध्ययन समाप्ति के पश्चात ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में आचार्य रहे। कालांतर में ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति पद को सुशोभित किया। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे भारतीय विद्या भवन बम्बई से संबद्ध हुए। अगर संक्षेप में हम कहें तो डॉक्टर मजूमदार जी का जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। ये भारतीय इतिहास के अद्वितीय विद्वान थे। इनको प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास का ज्ञान था और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही आचार्य रहे और कालांतर में आगे चलकर ढाका विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर कुलपति पद को प्राप्त किया। और जब ये सेवानिवृत्ति के पश्चात वे भारतीय विद्या भवन बम्बई से संबद्ध हो गए। अब बच्चों, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। बच्चों, अपने जीवन के कार्यक्षेत्र के प्रारंभिक काल में कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तत्पश्चात बंगाल का इतिहास और जावा पर एक शोधपूर्ण ग्रंथ लिखा। सबसे पहले इन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया नामक पुस्तक की रचना की और उसके बाद बंगाल का इतिहास और जावा पर एक शोधपूर्ण ग्रंथ लिखा। और रमेश चंद्र तथा डॉक्टर राय चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पुस्तक का नाम है एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें प्रारंभिक इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक का विवरण दिया गया है। इनकी जो पुस्तक है एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे डॉक्टर राय चौधरी और रमेश चंद्र मजूमदार दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है, जिसमें प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक इतिहास तक का विवरण दिया गया है। भारतीय विद्या भवन से संबद्ध होने के पश्चात 11 खंडों में, जब ये भारतीय भवन बम्बई के भारतीय विद्या भवन से जुड़े, तब इन्होंने 11 खंडों में हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन, पुस्तक का नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन विपुल नामक ग्रंथ लिखा।
विदेशों में पर्याप्त प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक के विद्वानों के मध्य अनेक विवादास्पद चिन्ह खड़ा कर दिया है, परंतु संपूर्ण विवादों से निरपेक्ष रहते हुए उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मोमेंट में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि वस्तुतः क्या घटनाएं घटी थी वाकई। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे द वैदिक एज, क्लासिकल अकाउंट ऑफ इंडिया, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर, द एज ऑफ इम्पीरियल, कनौज ऑफ, अनेक पुस्तक लिखकर प्राचीन इतिहास परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। बच्चों, अब तक तो हम लोगों ने उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में जाना और उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी इस बारे में जाना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इतिहास लेखन एवं इतिहास दृष्टि, अर्थात रमेश चंद मजूमदार के का जो इतिहास लेखन है और उनके इतिहास के प्रति कौन कैसी दृष्टि थी, इस बारे में जान लेते हैं। बच्चों, डॉक्टर मजूमदार ने हिरास स्मारक भाषण माला में इतिहास लेखन से संबंधित जो भाषण दिया, वह कालांतर में हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। पुस्तक का नाम है हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। इन व्याख्यानों में मजूमदार ने मात्र भारतीय इतिहास लेखन की विकासात्मक पक्षों के ही को ही प्रस्तुत नहीं किया, वरन इतिहास लेखन की कला पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इतिहास के संबंध में लिखा है, इतिहास का संबंध आंतरिक सत्य के प्रति जिज्ञासा है, सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है, अर्थात सत्य की खोज ही इतिहास है। उन्होंने लिखा, मेरे दृष्टि में सत्य केवल सत्य और पूर्ण सत्य ही इतिहास का लौह ढांचा है या इतिहास का लौह ढांचा होना चाहिए, जिसके आधार पर विभिन्न विन्यास खड़े किए जा सकते हैं। डॉक्टर मजूमदार ने इतिहास की यहाँ दार्शनिक व्याख्या की है कि जिस प्रकार सभी विषयों और व्यक्तियों का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण है, उसी प्रकार इतिहास का अर्थ उपयोगिता, उद्देश्य और आदर्श की मात्र सत्यान्वेषण है। सत्यान्वेषण मतलब सत्य की खोज करना। अब बच्चों, उनकी ऐतिहासिक व्याख्या क्या रही है इतिहास में, इसे जानते हैं। बच्चों, डॉक्टर मजूमदार ने अपने 10 खंडों में प्रस्तावित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल में प्रकाशित खंडों में प्रारंभिक काल से महमूद तक के आक्रमण का ब्यौरा दिया है। डॉक्टर मजूमदार ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। रमेश चंद मजूमदार ने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन काल, जो है 1000 ईस्वी तक, अर्थात प्राचीन काल से लेकर 1000 ईस्वी तक का प्रथम खंड। द्वितीय खंड है मध्यकाल, इसका समय है 1000 से 1818 ईस्वी तक। और इनका जो तृतीय खंड है वो है आधुनिक काल, जो है 1818 ईस्वी से आगे तक। इसमें परंपरागत इतिहास का विवरण पार्टिजर से दिया गया है। डॉक्टर मजूमदार ने पार्टिजर पौराणिक ग्रंथ की आलोचना किया है कि यह वास्तविक इतिहास को भ्रमित करता है। बच्चों, जो डॉक्टर मजूमदार थे वह एक राष्ट्रीय इतिहासकार थे, परंतु उन्होंने स्मिथ और जायसवाल
और उनके उनका अनुसरण करने वालों दो प्रकार के अतिवादियों की आलोचना भी किया है। और डॉक्टर मजुमदार ने ऐसे इतिहासकार की भी आलोचना की है जिन्होंने भारत की प्राचीनता को अत्यधिक गौरवान्वित करने का प्रयास किया, अर्थात कि सत्य कुछ और है लेकिन अपनी गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ भी लिख दिया है, चाहे वो सत्य हो या सत्य नहीं हो। तो इन लोगों की डॉक्टर मजुमदार ने कड़ी निंदा की है और आलोचना की है। डॉक्टर मजुमदार यद्यपि प्राचीन परंपरा के इतिहासकारों की दृष्टि रखते हैं, परंतु ब्रिटिश राज्य के 50 वर्षों तक तथा स्वतंत्र भारत की एक दशक तक के इतिहास लेखन को देखा भी है और समझा है, और इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि इस समय तक आधुनिक इतिहासकार वस्तुनिष्ठता से हटकर राजनैतिक नीतियों और सिद्धांतों की ओर उन्मुख हो रहा है, और शासन भी इतिहासकारों को पद और प्रतिष्ठा से आकर्षित कर रहा है। अब बच्चों, आधुनिक इतिहासकार के अंतर्गत अगर हम रमेश चंद्र मजुमदार जी का मूल्यांकन करें तो डॉक्टर मजुमदार की सेवाओं और इतिहास लेखन को भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अपनी विशिष्ट मौलिक प्रतिभा से उन्होंने विद्या भवन से अनेक इतिहास लेखन को दिशा प्रदान किया, और अपने इतिहास लेखन से ऐतिहासिक व्याख्या से निष्पक्ष राष्ट्रीयता के विचारों से उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है बच्चों आप लोग आधुनिक इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार जी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा।